एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू बड़ा ही आलसी था, उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। रामू अपनी माँ के साथ रहता था। उसका ये आलस देखकर माँ उसे हमेशा डांटती रहती। बेशरम, कब तक घर में बैठेगा, कुछ काम कर, जब देखो तब सोता रहता है, निकम्मा कहीं का। सारा समय क्यों मुझ पर चिल्लाती रहती हो माँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है। रामू की माँ रामू पर गुस्सा हो जाती है। ठीक है माँ, अब गुस्सा मत करो, अब मैं जाता हूँ और काम ढूंढ कर ही वापस आऊंगा, और तब तक खाना भी नहीं खाऊंगा, लेकिन दोपहर का खाना बना के रखना। ये बोलते हुए रामू हंसते हंसते घर से बाहर चला जाता है। अरे आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो रामू, क्या इरादा क्या है? जा रहा हूँ मुँह काला करवाने, तुम भी चलोगे? ये सुनकर विशाल गुस्से में आकर वहां से निकल जाता है। आया बड़ा पूछताछ करने। रामू गांव के बाहर चलने लगता है। कुछ देर चलने के बाद रामू को एक मंदिर दिखाई देता है और वो रुक जाता है। चलो दोपहर तक यहाँ पर आराम करता हूँ, फिर घर जाकर खाना खाऊंगा, माँ की बकबक से छुटकारा भी और जरा आराम भी। रामू मंदिर में सो जाता है। मुझसे झूठ बोल के यहाँ आराम से सो रहा है, अब तू गया काम से। ओई, मत मारो माँ, मत मारो, मैं जाता हूँ काम पे। ओई, ये तो सपना था, लगता है मुझे कुछ काम ढूंढना ही होगा, नहीं तो माँ सपने में आके भी मारेगी। लेकिन मुझे ऐसा काम ढूंढना होगा जिसमें ज्यादा मेहनत ना हो। मैं कर दूंगा तुम्हारे सारे काम, तुम करना सिर्फ आराम ही आराम। अरे कौन बोला भाई, किसकी आवाज है? हुनर मेरा लाजवाब है, ये मेरी आवाज है। रामू का ध्यान उस बोलने वाले शंख पर गया और रामू हैरान हो गया। क्या तुम एक जादुई शंख हो? हाँ, मैं तुम जो कुछ भी चाहोगे वो सब दे दूंगा। क्या तुम मुझे इतना पैसा दे सकते हो जिससे मुझे कभी कोई काम करने की जरूरत ना पड़े? हाँ जरूर, लेकिन तुम्हें उसके बदले में मेरा एक काम करना होगा, क्या तुम तैयार हो? कौन सा काम बोलो? तुम्हें मुझे एक बोरी चावल के नीचे दबा के रखना होगा, अगर तुम ये काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, अगर नहीं कर पाए तो एक सीख मिलेगी। ये तो बड़ा ही आसान काम है। जादुई शंख की बात सुनकर रामू खुशी खुशी घर आता है और चावल की एक बोरी उठा लेता है। माँ उसे इसके बारे में पूछती है, मगर रामू अपनी ही धुन में है। गांव के लोग भी रामू की खुशी देखकर हैरान है। रामू चावल की बोरी लेके मंदिर आता है और थोड़े चावल बिछाकर जादुई शंख को उसके ऊपर रखता है और बाकी बोरी के चावल शंख पर डालने लगता है। शंख पूरी तरह से ढक जाता है, रामू खुश हो जाता है। तभी अचानक चावल नीचे से खिसकने लगता है और शंख ऊपर आता है। ये ऊपर कैसे आ गया? करो और एक बार कोशिश करो। रामू शंख को फिर से ढकता है लेकिन शंख वापस ऊपर आ जाता है। रामू बार बार कोशिश करता है लेकिन शंख ऊपर ही आता रहता है। रामू पसीने से लथपथ हो जाता है और थक जाता है। गांव के लोग रामू की हालत देखकर रामू पर हंसने लगते हैं। अरे रामू, तुम बूढ़े हो जाओगे पर शंख को चावल के नीचे नहीं दबा पाओगे। शंख कभी चावल के नीचे नहीं दबता रामू। गांव वाले रामू पर हंसते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रामू हताश होके वहीं बैठ जाता है। इतनी मेहनत करके मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा कैसे, एक सीख तो जरूर मिली ना। कौन सी सीख? बिना मेहनत के दुनिया में कुछ नहीं मिलता। चंदू और पिंटू नाम के दो दोस्त थे। चंदू बहुत मेहनती और ईमानदार था, जबकि पिंटू आलसी और कामचोर था। चंदू काम की तलाश में रहता था किंतु उसके हाथ कोई काम नहीं लगता था। एक दिन ऐसे ही वो अपने घर में सो रहा था, अचानक उसके कमरे की खिड़की के बाहर बिजली चमकी। चंदू घबरा कर उठ गया। उसने देखा कि खिड़की के पास एक परी हवा में उड़ रही है। ये देख चंदू चौंक गया। ये तो एक परी है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना। चंदू अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। वो परी घर के अंदर आई। चंदू, तुम
तुम बहुत अच्छे युवक हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी चंदू को एक तस्वीर देती है। चंदू, ये एक जादुई घर की तस्वीर है। इस घर में बहुत सारे हीरे जवाहरात छुपे हैं, जो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन घने जंगल में छुपे इस घर को तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। और याद रहे, अगर तुमने लालच करके कुछ मांगा तो तुम हमेशा के लिए इस घर में कैद हो जाओगे। दूसरे दिन चंदू ने अपने दोस्त पिंटू को ये सारी कहानी बताई और उस तस्वीर को अपने साथ लेकर वे दोनों उस जादुई घर की तलाश में निकल पड़े। जंगल में उस जादुई घर को ढूंढते ढूंढते वो काफी दूर तक आ पहुंचे और आखिर में उन दोनों को वो जादुई घर मिल ही गया। तुम यही रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि अंदर क्या है। चंदू अकेले ही सब धन लेना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रुक जाओ चंदू, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। ठीक है चलो, लेकिन याद है ना परी ने क्या कहा था, अगर लालच में आकर अपना हिस्सा लोगे तो हमेशा के लिए उस घर में कैद हो जाओगे, इसलिए जरा सोच संभल कर बर्ताव करना। वो दोनों उस जादुई घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं, घर का दरवाजा अंदर से अपने आप बंद हो जाता है। वो देखते हैं कि उस घर में बहुत सारा सोना, हीरे और जवाहरात रखे हुए हैं। परी के कहे अनुसार चंदू अपनी जरूरत के हिसाब से धन ले लेता है। वो पिंटू को भी अपना हिस्सा लेने की गुजारिश करता है, लेकिन इतने सारे हीरे जवाहरात देखकर पिंटू अपना लालच रोक नहीं पाता। चंदू, तुम एक काम करो, तुम अपना हिस्सा लेके बाहर जाओ, मैं बस तुम्हारे पीछे ही आता हूँ। देखो पिंटू, मैं तुम्हें फिर एक बार कहता हूँ, जितना जरूरी है बस उतना ही धन लेना, लालच की तो पछताओगे। अरे हाँ हाँ, तुम फिकर मत करो, मैं सब देख लूंगा। अब जाओ, बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया। जैसे ही चंदू बाहर आया, पिंटू पर उसका लालच हावी हो गया। वो उस घर में पड़ा सारा सोना, हीरे, जवाहरात एक साथ इकट्ठे करने लगा। तभी अचानक उस घर में एक तेज रोशनी चमकी, उस घर का दरवाजा अंदर से बंद हो गया। वो सारा सोना, हीरे और जवाहरात एकदम से गायब हो गए और उन्हीं के साथ वो घर भी। चंदू बाहर खड़ा ये सब नजारा देख रहा था और उस घर के साथ साथ अपने दोस्त को भी गायब हुआ देख वो बड़ा ही निराश हो गया। वो जादुई घर और पिंटू दोनों कभी उस जगह वापस नहीं आए। समुंदर के बीच एक आइलैंड था। उस आइलैंड के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछलियां पकड़ के उन्हें बेचना था। मछलियां पकड़ने के लिए मछुआरों को बड़ी दूर तक अपने जहाज लेके जाना पड़ता था, इसलिए उन्हें लौटते वक्त कभी कभी दो दिन भी लग जाते थे और उन्होंने पकड़ी हुई मछलियां बासी हो जाती थी। ताजा मछलियों के मुकाबले इन बासी मछलियों का दाम घट जाता था और मछुआरों की मेहनत जाया हो जाती थी। मछुआरों ने इस बात पर बड़ा सोच विचार किया और उन्होंने एक तरकीब निकाली। वो अपने जहाज पर अब फ्रीजर ले जाने लगे। वो मछलियां पकड़कर उन्हें फ्रीजर में रख देते, जिनसे उनका ताजापन बहुत देर तक टिका रहता। लेकिन फिर भी बाजार में लोग फ्रीजर में रखी हुई मछलियां और ताजा मछलियां इनके बीच का फर्क जान लेते थे और फ्रीजर में रखी हुई मछलियां खरीदने से इनकार करते थे। मछुआरों के सामने अब ये बड़ी समस्या आ चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोगों तक ताजा मछलियां कैसे पहुंचाए। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने और एक नई तरकीब ढूंढ निकाली। उन्होंने अपने जहाज पर अब बड़े बड़े फिश टैंक रख दिए। मछलियों को पकड़कर अब वे उन्हें सीधा फिश टैंक में डाल देते थे। फिश टैंक की वजह से मछलियां जिंदा रहती और इस वजह से उनका ताजापन भी बना रहता। इस तरकीब से अब मछलियां बाजार में बड़ी तेजी से बिकने लगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उन मछलियों की बिक्री में भी गिरावट आने लगी। मछुआरे अब उलझन में पड़ गए। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इन मछलियों की बिक्री में आखिर इतनी गिरावट क्यों आ रही है। उन्होंने इस बारे में अपने कुछ बड़े ग्राहकों से बात करनी चाही। ग्राहकों से बात करते ही एक बड़ी ही अजीब बात उनके सामने आई। ग्राहकों का मानना था कि मछलियों को फिश टैंक में रखने से वो बड़ी ठंडी हो जाती है, मतलब ये कि उनकी जीने की आस कम हो जाती है। उनमें वो जोश और उत्साह नहीं होता जो समुन्दर की जिंदा मछलियों में रहता है, और इसी वजह से उनकी बिक्री अब कम होने लगी थी। ये बात सुनने में तो बड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन बात में दम था। मछुआरों के सामने खड़ा हुआ ये सवाल किसी पहेली से कम न था। मछुआरे इस बात पर सोचकर हैरान हो चुके थे कि इस पहेली को कैसे सुलझाया जाए,
किसी के भी पास इसका जवाब नहीं था। एक दिन ऐसे ही सभी मछुआरे समंदर में बड़ी दूर तक मछलियां पकड़ने गए थे। रोज की तरह मछलियां पकड़कर वो उन्हें फिश टैंक में डाल रहे थे। तभी किसी मछुआरे ने गलती से एक बड़े से फिश टैंक में शार्क मछली को छोड़ दिया। शार्क मछली के फिश टैंक में आते ही उस फिश टैंक की बाकी की मछलियां अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगी और फिश टैंक में एक ही भगदड़ मच गई। शार्क मछली उन बाकी की छोटी मछलियों के पीछे पड़ गई और उन्हें निगलने लगी। बाकी के मछुआरे अब जोरों जोरों से चिल्लाने लगे, अरे ये क्या पागलपन है, इस टैंक में शार्क मछली को किसने छोड़ दिया, उसे बाहर निकालो उसे, वरना वो बाकी की मछलियों को खा जाएगी। अब सभी मछुआरे उस शार्क मछली को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी एक बुजुर्ग मछुआरे ने उन्हें ऐसा करने से रोका। रुको, जरा रुको, मेरी बात सुनो। अब सभी उस बूढ़े बाबा की तरफ उलझ कर देखने लगे। अरे बूढ़े बाबा, ऐसे तो ये शार्क इन मछलियों को निगलती जाएगी, इससे हमारा नुकसान होगा। और नहीं तो क्या, सही कहा। थोड़ा नुकसान तो होगा लेकिन फायदा बहुत होगा। अरे इसमें क्या फायदा होगा? फायदा? वो कैसे? जरा देखो तो इन मछलियों को, अपनी जान बचाने के लिए कितनी भगदड़ मचा रही है। बस इसी बात की कमी थी जिससे इन मछलियों की बिक्री कम होती जा रही थी। हम अभी भी नहीं समझे, जरा खुलासे से बताओ बूढ़े बाबा। लोग इन मछलियों को इसलिए नहीं खरीद रहे थे क्योंकि ये बड़ी ही ठंडी और जीवन के प्रति अनुत्साही हो गई थी। फिश टैंक में रहकर उन्हें जीवन जीने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब देखो, शार्क मछली के आते ही अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अब संघर्ष करना पड़ रहा है, जिससे उनकी जीवन का जोश और उत्साह वापस आ गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि शार्क इसमें से कुछ मछलियों को निगल जाएगी, लेकिन जो मछलियां बचेंगी उनकी बिक्री बाजार में बड़ी तेजी से होगी, क्योंकि हमारे ग्राहकों को जो जोश और ताजापन इनमें चाहिए वो अब इन सभी मछलियों में बरकरार है। बूढ़े बाबा की ये बात सच साबित हुई। बाजार में अब ये सारी मछलियां बड़ी तेजी से बिकने लगी। बूढ़े बाबा ने उस दिन जो भी कहा उसमें एक बड़ी ही गहरी सच्चाई छुपी हुई थी। जीवन में संघर्ष का होना बहुत जरूरी है, वरना जीवन ठंडा और फीका हो जाएगा। वो कहते हैं ना, संघर्ष ही जीवन है और जीवन ही संघर्ष है।